नमस्कार मित्रों, आज हम एंशिएंट इंडिया पे एक वीडियो बना रहे हैं और ये सीरीज एक चालू की है 2020 सीरीज, इसको नाम देंगे हम, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाए इन वीडियोस में और फटाफट डीप में ना जाते हुए, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए एंशिएंट इंडिया पे, ऐसा एक संकल्प लेके हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। Indus Valley Civilization was discovered in 1921 and it belonged to Bronze Age. याद रखिएगा, Bronze Age से भी belong करता है Indus Valley Civilization. Line में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आया था Copper Age, उसके बाद में Bronze Age और उसके बाद में आया Iron Age. So CBI, ऐसा आप याद रखिए. Indus Valley Civilization का total area 1.3 million square kilometer है और ये 3 phases में exist किया था. पहला early, फिर mature, फिर late phase. तो इट एग्जिस्टेड बिटवीन द 3300 एंड 1600 BC. इतिहास को देखा जाए तो हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को 6000 BC तक ट्रेस कर पाते हैं। और इस सिविलाइजेशन में, सिविलाइजेशन ही बेसिकली इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पक्की एक पॉसिबल राइटिंग सिस्टम थी जो अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं हम लोग। और डेसिफर आप, मैं बता दूं आपको कि जेम्स प्रिंसेप करके था, उन्होंने की थी। इस सिविलाइजेशन में अर्बन सेंटर्स थे, एक सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था और अलग अलग साइट्स है, जैसे मोहनजो डैरो है, हरप्पा है और भी साइट्स है जो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए, ये बेसिक मैप है जहाँ पे हम अलग अलग साइट्स देखते हैं और इसमें सिटीज़ देखने को मिलेगी हमको कि सिटीज़ कौन सी है। जैसे हरप्पा एक सिटी थी, मोहनजोदड़ो एक सिटी थी, राखीगरी एक सिटी थी, कालीबंगान एक सिटी थी, बनावली एक सिटी थी। तो आप अगर सही ढंग से मैप को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हरप्पा सिटी थी, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर रावी। सो HLR, ऐसे आप याद रखें, हरप्पा इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ रावी, HLR। और वही MRI, जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ रिवर इंडस। तो मोहनजोदड़ो इंडस और हरप्पा रावी, और भी बाकी सारी सिटीज है और उनके भी रिवर्स याद रखने होंगे। राखीगरी करके जो सिटी है, जो सबसे लार्जेस्ट हरप्पा साइट माना, अभी ही खोज उसकी हुई है और स्थापित हो गया है कि वो एक लार्जेस्ट हरप्पा साइट थी। फिर एग्रीकल्चर साइट्स भी है, जैसे जो ट्रायंगल वाले सिंबल्स है, वो सब एग्रीकल्चर साइट्स थे। फिर मॉडर्न सिटीज़ भी है। और अब आगे जाते हैं। देखिए, 3 फेजेस में हमने देखा था हरप्पन सिविलाइजेशन जो है। तो अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कालीबंगान, बनावली, धोलावीरा और राखीगरी, ये इम्पोर्टेंट साइट्स है। कालीबंगान में बता दूँ आपको कि ये प्लोविंग एविडेंस मिला था, यहाँ पे प्लोविंग की गई थी, इसका एविडेंस मिला था। राखीगरी जैसे मैंने बताया, और ये घग्गर नदी जो है उसके उसके किनारों पे स्थित एक सिटी थी। फिर मैच्योर हरप्पन पीरियड में ये ज़्यादातर सिविलाइजेशन इस टाइम में फली फूली। तो हरप्पा, मोहनजोदड़ो, चाउंदारो, लोथल, कालीबंगान, बनावली, सुक्तोनजंडर, सुक्तोतोड़ा, धोलावीरा, राखीगिरी। लोथल में आपको बता दूं कि एक डॉकयार्ड था, गुजरात में डॉकयार्ड था। कालीबंगान मैंने बताया, और सुर्कोतोड़ा में हमको हॉर्स होने के एविडेंस मिले थे। तो बेसिकली और चाइंडोदड़ो में हमें बीड्स, पर्ल बीड्स मिले थे। और लेट फेज जो हम लोग देख रहे हैं, पोस्ट अर्बन हरप्पन एरा, तो इसमें जैसे कि साइट्स दिए गए हैं, धोलावीरा, राखीगिरी, मांडा जम्मू वाला, फिर संघोल पंजाब वाला, दौलतपुर, मित्थल, आलमगीरपुर, वेस्ट यूपी। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा नॉर्थ मोस्ट साइट है हरप्पा का, तो मेरे ख्याल से मांडा नॉर्थ मोस्ट साइट है। फिर ईस्ट मोस्ट साइट आलमगीरपुर है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। रिमार्केबल फीचर्स अगर हम देखें तो सुर्कजेंडर और
सुरकोताड़ा में इट वॉज मार्क बाय सिटेडल. सिटेडल मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुआ करता था सिटेडल में. और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखेंगे कि इट हैड अ ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ एक जहाँ पे आप बात कर सकते हैं, सामूहिक पब्लिक बाथ सिस्टम था. फिर एक लार्ज ग्रीनरी थी टू मीट द फूड डिमांड्स ऑफ द पीपल. एक इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम थी. तब भी के टाइम में एक इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत बड़ी बात थी. फिर देर वॉज अ पीस ऑफ वोवन कॉटन, देन मदर गॉडेस एंड द सील ऑफ पशुपति. पशुपति का सील, ये सब रिमार्केबल फीचर्स मोहनजोदड़ो की थी. फिर कालीबंगान में मैंने जैसे बताया कि ग्रेन और प्लॉ के एविडेंसेस मिले थे. और टाउन प्लानिंग तो एकदम बाप थी इंडस सिविलाइजेशन में. जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ फीचर्स थे टाउन प्लानिंग में, जैसे राइट एंगल्स पे रोड्स मुड़ते थे. और फिर जो डोर सिस्टम था वो भी एक डायरेक्शन में ही होता था. सब हाउसेस का डोर सिस्टम एक डायरेक्शन में होता था. फिर द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू से रिच पार्ट एंड द पुअर, कंपेरेटिवली मिडिल क्लास एंड पुअर पार्ट. सो द रिच यूज टू स्टे इन द सिटाडेल एंड इट यूज टू बी देयर. देन बाउंड्री सिस्टम वॉज देयर अक्रॉस द सिटीज सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन. ग्रिड सिस्टम थी. फिर द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन. सो बेसिकली 1921 1920s में हरप्पन साइट्स का एक्सकवेशन चालू हुआ था. और दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मैच्योर हरप्पन कल्चर. और जैसे हमने देखा कि रिवर्स के बाजू में स्थित सिविलाइजेशन है ये. फिर पशुपति सील. ये पशुपति सील देख रहे हैं आप डायग्राम में कि एक फिगर है जो शायद ध्यानस्थ बैठी है. एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो. एंड दिस सील डिपिक्स सीटेड पॉसिबली इथिफेलिक एंड ट्राइसिफेलिक फिगर विद अ हॉर्न हेडरेस. आप उनके शीश पे देखे तो एक हॉर्न हेडरेस दिखेगा. एंड इट इज सराउंडेड बाय एनिमल्स. तो पशुपतिनाथ, तो सभी पशुओं का जो पालन करता है पशुपतिनाथ. और ये हिंदू गॉड शिवा जो है इनसे बहुत ही मिलता जुलता है. और बाद में शिवा शिवा का हम एपिटेट भी देते हैं पशुपति के नाम से. तो ये चीज़ें हैं उसमें. अभी एक हरप्पन हो गया हमारा फास्ट फॉरवर्ड. अभी हम आर्यंस देखेंगे. आर्यंस हरप्पन्स के बाद आए ऐसा आर्विन इन्वेजन थेरी बोलती है. ये जो आर्यंस थे ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया और उस पार्ट्स में से आए थे एंड पर्शिया वगैरह से. तो बेसिकली पार्ट हम क्या देख रहे हैं कि ये मेल डोमिनेटेड आर्यंस है. और पेस्टोरल उनका ये है, जैसे चारा. तो उनके कैटल रहते थे और वो कैटल को चारा चाहिए मतलब. तो उसके खोज में वो लोग आते थे. और फिर उन्होंने वो जो जंगल थे उनको तोड़ा और वहाँ पे चारा वगैरह पेस्टोरल चालू कर दिया. और हॉर्स एक सिग्निफिकेंट एनिमल था आर्यंस में. और ऋग्वेद के बारे में अगर मैं कहूँ तो 10 मंडल्स हैं इसमें ऋग्वेद में. और 1 और 10 आर रिलेटिवली न्यू बुक्स. और जो अपनी गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद में पाया जाता है. तो ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है. एंड द अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इज 2200 BC इंस्क्रिप्शन इन इरा. लेटर इन द हिटाइट इंस्क्रिप्शन इन अनाटोलिया. तो ये कुछ फैक्चुअल बात है. फिर आर्यंस कब आए इंडिया में? तो एक लगभग 1500 BC के समय आर्यंस आए थे. और सिंधु नदी ने बहुत फायदेमंद हुई उनके लिए. और ऋग्वेदा में अगर हम देखें तो गंगा का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन सरस्वती नदी का जिक्र बहुत बार किया गया है ऋग्वेद में. और आर्यंस जो थे वो मुख्यतः 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे जिनको पंचगण जना कहते थे. और इनको एग्रीकल्चर में भी आता था. तो दे यूज टू यूज प्लॉ शेयर एंड लैंड डिड नॉट फॉर्म अ वेल इस्टेब्लिश टाइप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्योंकि आर्यंस के लिए ज़्यादा महत्व केटल्स को था ना कि लैंड को. तो जो युद्ध भी होते थे वो केटल्स
के नाम पे होते थे कि किसके पास जितने ज़्यादा कैटल वो ज़्यादा शक्तिशाली, और उनको मेटल वर्किंग भी पता थी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ब्रॉन्ज एज था हरप्पन एज, और फिर जैसे आर्यन आए तो आयरन आने लग गया, तो प्लॉ कटिंग टूल्स ऑफ फॉर फॉरेस्ट एंड ये सब आने लग गए तब। और उनके जो आर्यन के जो किंग है उनको राजन कहा जाता था, और उनमें समिति सभा विधाता गण ट्राइबल असेंबली ये सब हुआ करती थी। और ये बेसिकली एक ब्रीफ आउटलुक था आर्यन के बारे में। अभी हम लोग जैनिज्म देखेंगे। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर है, और सबसे फर्स्ट जो थे वो ऋषभ देव थे, और 23rd पार्श्वनाथ थे, और महावीर लास्ट वाले तीर्थंकर थे जो 599 BC से 527 BC या 540 BC से 468 BC, ये पक्का पता नहीं है, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग जिक्र है इनके। और ये जो तीर्थंकर थे इनमें हर एक तीर्थंकर का एक सिंबल रहता था, तो वो अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं। फिर इनमें एक महिला तीर्थंकर भी होके गई है जिनका नाथ मल्लीनाथ था। और जहाँ तक महावीर जी की बात है तो इनका जन्म कुंदग्राम विच इज़ नियर वैशाली यहाँ पे हुआ था। इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञानित्र न्यायित्र क्लैन से बिलोंग करते थे, और मदर का नाम त्रिशाला था जो कि एक लिच्छवी चीफ चेतका की सिस्टर थी। और इनकी मृत्यु जो थी, महावीर जी की मृत्यु पावापुरी विच इज़ नियर राजगीर में हुई। और इन्होंने 5 डॉक्ट्रिन्स बताई, डू नॉट वायलेंस, स्टील, लाई, एक्वायर प्रॉपर्टी एंड डू नॉट एंड डू ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य। तो ये 5 डॉक्ट्रिन्स उनकी थी। और एक बेसिक बात, अगर डिफरेंस बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक डिफरेंस हो तो वो है कि महावीर डिड नॉट कंडेम द वर्णा सिस्टम, बल्कि बुद्धिज्म में बुद्धा ने वर्णा सिस्टम के खिलाफ ही पूरा उनका गेम है। तो और फिर त्रिरत्ना भी जैनिज्म में है। त्रिरत्ना पहला है राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, एक्शन या राइट कंडक्ट भी बोल सकते हैं आप। तो याद रखने के लिए KFC, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ, C फॉर कंडक्ट, ये हो सकता है। देन जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा इन द 1st सेंचुरी BC एंड किंग खारावेला। तो ये जो किंग खारावेला है इन्होंने जैनिज्म को स्वीकार किया था। और जैनिज्म बेसिकली यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज एंड द लिटरेचर वॉज रिटन इन अर्ध मगधी एंड फिर कन्नड़ा का भी ग्रोथ जैनिज्म के वजह से हुआ है। जैसे हम लोग आगे जाके देखते हैं कि जैनिज्म में 2 सेक्ट हुए थे, एक श्वेतांबर और दिगंबरा। तो एक सेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ गया, और मेरे ख्याल से दिगंबर नीचे आ गए साउथ इंडिया में, तो कन्नड़ा वगैरह कर्नाटक में काफ़ी है। वो श्रावण बेला गोला में गोम में भी एक बड़ा स्टैचू है, आपको याद होगा। तो ये चीज़ है जैनिज्म के बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स हैं। और फिर अभी बुद्धिज़्म देखते हैं हम लोग। बुद्धिज़्म में बुद्धिज़्म 563 टू 483 BC में बुद्ध का कार्यकाल है, और उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में शाक्य फैमिली में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया है। और इनके जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। और बुद्ध ने हमें एट फोल्ड पाथ बताया है। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। और उन्होंने कहा था कि डो नॉट कोवेट अदर्स प्रॉपर्टी, डो नॉट कमिट वायलेंस, डो नॉट लाई, डो नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट मतलब दारू शारू, एंड डो नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। और बुद्धिज्म का एक है कि दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, और नो गॉड और आत्मा ने एग्जिस्ट, ऐसा उन्होंने का कहा गया है। जैसे जैनिज्म में ऐसा नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि लेकिन जैनिज्म में ऐसा है कि सबसे ऊपर जीन, जिन्होंने सबको जीत लिया, जीन रखा जाता है, और उसके नीचे उनके नीचे गॉड्स रखे जाते हैं। तो गॉड कहीं तो माना जाता है जैनिज्म में, इनफैक्ट जैनिज्म में पत्थर में भी भगवान है, और हर एक चीज़ में जीव है ये माना गया है जैनिज्म में। और बुद्धिज्म में लेकिन गॉड का कोई जिक्र नहीं है, मतलब मानते ही नहीं वो लोग।
और बुद्धिज्म यूज्ड पाली, जैनिज्म में हमने देखा कि प्राकृत लैंग्वेज यूज किया गया था, और अर्ध मगधी वॉज द टेक्स्ट, सो एंड बुद्धिज्म में हम देखते हैं पाली यूज किया गया है, और तीन एलिमेंट्स है जिसपे बुद्धिज्म बसा हुआ है, BDS, बी फॉर बुद्धा, डी फॉर धम्मा एंड एस फॉर संघ। तो BDS पे मेन एलिमेंट्स ऑफ बुद्धा है। वहाँ पे अगर हम याद करेंगे जैनिज्म में त्रिरत्न थे जो थे KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। अब और जैसे हम देख रहे हैं कि बाद में जो बुद्धिज्म जो था वो मौर्यन पीरियड में एकदम जोरदार चला, फिर अशोका ने तो उसको बहुत फैलाया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने का काम अशोका ने किया, श्रीलंका में अपने बच्चे भेजे थे। तो लेकिन बाद में जब शुंगा डायनेस्टी का रूल आया तो पुष्यमित्र शुंगा जो एक ब्राह्मण रूलर थे, तो इन्होंने काफ़ी परसिक्यूट किया बुद्धिस्ट को, और बुद्धिज़्म का जो प्रभाव है वो कहीं तो कम होता दिख जाता है शुंगा डायनेस्टिक से के समय से। और बाद में जो हुना किंग था मिहिरकुल, दिस गाय ऑल्सो किल्ड द बुद्धिस्ट, एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सुत्तनी पता। फिर गांधारा आर्ट हम लोग देखते हैं जो बुद्धिज़्म से काफ़ी ये है, वैसे तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड तीन चार आर्ट्स है, और पहले आर्ट जैसे गांधार आर्ट, फिर मथुरा आर्ट, फिर अमरावती आर्ट, तो अलग अलग ढंग से बुद्ध को डिपिक्ट किया गया है अपने स्टैचू स्टाइल में। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ह्यूमन स्टैचूज वर वर्शिप्ड बुद्धिज़्म में, बुद्धिज़्म ने इस ट्रेंड को चालू किया। एंड इम्पोर्टेंट बराबर हिल्स जो है केव्स फॉर मॉन्क्स। तो ये मोटा मोटा जरा बुद्धिज़्म के बारे में हमने देखा, वैसे ये आर्ट वार्ट हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे ही। और ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग मौर्यन पीरियड के बारे में देख रहे हैं कि हाउ द किंगडम्स एंड द कैपिटल्स वर देयर। तो महाजनपदास थे, तो ये महाजनपदास जैसे कि एक छत्र छाया में राज्य चलता था, लेकिन इनमें छोटे छोटे, जैसे आप एक एनालॉजी पकड़ लो कि एक स्टेट रहते और उसके अंडर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट रहते, या फिर एक कंट्री रहती और काफ़ी स्टेट्स रहते, तो एक कॉन्फेडरेसी के तौर पे काम चलता था यहाँ पे, और इनको महाजनपदास कहते थे। तो जैसे अंग का कैपिटल हम देखेंगे चंपा, काशी का वाराणसी, कौशला का श्रवस्ती, मल्लास का कुशीनर, फिर वत्स का कौशंबी, अवंती का उज्जैन, मगध का राजगीर, ये सब, फिर सूरसेना का मथुरा, तो ये मैच द कॉलम में आ सकता है आपको। तो ये महाजनपदास के बारे में था। और फिर हम लोग अभी डायनेस्टीज एक एक करके देखेंगे, जैसे सातवाहनास डायनेस्टी जो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक का एरिया अगर हम पकड़ के ले लें, तो सातवाहनास की जो डायनेस्टी थी वो पैठन थी, ये एरिया में सातवाहनास काफ़ी थे। और नेक्स्टली तो पंड्यास थे, तो पंड्यास मदुराई में थे, और ये संगम लिटरेचर वगैरह हम देखेंगे तो ये पंड्यास के टाइम में हुए थे। फिर चोला के टाइम की कैपिटल पुहार, या फिर कावेरी पट्टनम बोलते हैं कैपिटल को। फिर चालुक्यास जो थे, चालुक्यास ऑफ बादामी जो बीजापुर के थे, तो पल्लवास का कैपिटल था कांची, कांची पीठ हमको पता है शंकराचार्य का कांची पीठ है, तो पल्लवास ऑफ कांची। फिर कडम्बास का विजयंती, और गंगास की डायनेस्टी थी जो उसका कोलार है। तो फिर से हम लोग मगध की तरफ आते हैं, मगध में हम लोग डायनेस्टी देखेंगे तो मुख्यतः चार डायनेस्टी हुई थी उसमें, हरियन का पहला, फिर शिशुनागास, फिर नंदास, फिर मौर्यास। तो हरियन का डायनेस्टी में हम देखेंगे कि पहले रूलर थे बिंबिसर, और अगर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा कौन थे तो वो बिंबिसर थे। काफ़ी बार UPSC में ऐसे क्वेश्चन भी आते कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, गुरु नानक जी के कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो ये जो थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। फिर बिंबिसरा के बेटे थे अजात शत्रु, याद रखें कि अजात शत्रु जो है उन्होंने ही अपने पिताजी का वध किया था, तो ये एक फैक्चुअल पॉइंट है। और ऐसा भी का कि जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अजात शत्रु के समय पे हुआ था पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र में तो नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई विल चेक इट एंड टेल यू। उदयन जो थे वो बिल्ट
fort. He built fort on the confluence of Ganga and Son at Patna. तो फिर हरियाणा का डायनेस्टी के बाद शिशुनागास थे. शिशुनागास डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ अवंती. ओके, और बाद में नंदाज आए. नंदाज डायनेस्टी में महापद्मा नंदा करके थे. फिर हम लोग अभी सीरियल देख रहे हैं कोई, चंद्र नंदिनी करके स्टार प्लस पे आती है, तो उसमें मौर्यन पीरियड का चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदाज को हराया और सत्ता काबिज की, उसके बारे में है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. तो मौर्य के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले किंग थे और उन्हीं के समय मेगस्थिनीज आए थे ड्यूरिंग हिज टाइम. फिर उनके बेटे बिंदुसरा एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी एक सेलुकस निकेटर करके ग्रीक राजा जो था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो उनके बेटी के साथ हेलिना करके नाम था, उनके साथ शादी की थी. वैसे तो काफ़ी शादियां करते थे लेकिन एक फैक्चुअल पॉइंट है. फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदिनी करके जो नंदा की नंद राजा की बेटी थी उनके साथ भी शादी की थी. फिर आर्किटेक्चर तो बाप था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में. मेगस्थिनीज ने अपने जो वर्क्स है उसमें बहुत कुछ कहा गया कि उन्होंने तो ऐसा बताया कि जैसे स्वर्ग था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में. और मेगस्थिनीज ने कहा है कि तभी के टाइम में सात जातियाँ सेवन कास्ट यूज टू एग्जिस्ट एंड आफ्टर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य वी हैव बिंदुसरा एंड इवन ही हैड लिंक्स विद ग्रीक प्रिंसेस. और नेक्स्टली अशोका, तो सी बी ए आप अगर लाइन में देखेंगे मौर्यस तो सी बी ए, तो अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म मानते थे. और फिर हम लोग देखते हैं कि शुंगास, शुंगा डायनेस्टी थी उसमें पुष्यमित्र शुंगा जो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने मौर्यन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया था एंड ही किल्ड द मौर्यन किंग बृहद्रथ. एक्चुअली शुंगा जो थे वो बृहद्रथ के अंडर ही काम करते थे और बाद में उन्होंने मौके पे चौका मार के बृहद्रथ को मार डाला और सत्ता काबिज कर ली. और फिर बुद्धिज्म में का भी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो गया और बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लग गया. अभी कुछ हम इम्पोर्टेंट ऑफिसर देखेंगे जैसे बलि सदका, तो ये टैक्स कलेक्टर थे नंदास के टाइम में. फिर शौल किकी दिस वर टोल कलेक्टर्स. शाक्याज एंड द लिच्छवीज वर रिपब्लिक्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड. और एक लिटरेचर की अगर बात की जाए तो दिघ निकाया ये पाली लिटरेचर पाली में लैंग्वेज में था बुद्धिस्ट टेक्स्ट. और ये बेसिकली मोटा मोटा ज्ञान था ये मौर्यन एम्पायर के बारे में. और हमने देखा हरियाणा का, उसके बाद नंदाज, उसके बाद मौर्यन, उसके बाद कैसे शुंगाज आते हैं. अभी हम लोग थोड़ा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ मुड़ते हैं. तो हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एलेक्जेंडर ने, तभी का ही टाइम था कि एलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश की थी लेकिन रावी नदी के उस इस पार वो आ ना सके. तो अंतिम युद्ध उनका शायद पुरु राजा के साथ था. और फिर एक बार जो चंद्रगुप्त अपना अलेक्जेंडर जो है समझ गया कि वो इंडिया को इन्वेड नहीं कर सकता, तो फिर वो फिर से उल्टे पाँव लौटने लग गया. फिर जो जीते हुए एरियाज थे तो वो एरियाज में उसने अपने जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे उनको वो एरियाज रूल करने को दिए. तो वैसे ही मिनेंदर, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे ग्रीक राज्यों की स्थापना हुई थी. और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि मिनेंदर करके है जो एक फेमस इंडो ग्रीक रूलर था. और हम देखते हैं कि उनका कैपिटल जो था वो सियालकोट, आज का सियालकोट सकला करके था. और एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे नागसेना जिन्होंने मिनेंदर को बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया एंड ही वॉज सो इन्फ्लुएंस दैट ही कन्वर्टेड इन टू बुद्धिज़्म. और एक शायद बुक भी है जिसे मिनेंदर पन हो ऐसे कुछ कहते हैं. तो ये था मिनेंदर के बारे में. शाकास के बारे में देखेंगे तो जैसे ग्रीक्स ख़त्म होने के बाद शाकास रूल चालू हुआ अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. तो शाकास में रुद्रमन
ये एक फेमस रूलर थे एंड ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत. तो संस्कृत में सबसे पहली बार कोई लॉन्ग इंस्क्रिप्शन आया तो वो शाक्य राजा रुद्रमन के समय आया था. देन द शाकाज वर फॉलोड बाय पार्थियंस एंड द फेमस किंग इज गोंदोफरनेस. और सेंट थॉमस जो थे वो इंडिया में पहले इनके रेगन के टाइम आए थे. तो सेंट थॉमस चर्च हम काफ़ी बार सुनते हैं, तो ये पहले क्रिश्चियन मॉन्क कह सकते हैं आप जो इंडिया में आए थे. और फिर तभी से क्रिश्चियनिटी का इंडिया में फैलना चालू हो गया. और पार्थियंस के बाद हम लोग कुशांस के बारे में देखेंगे. तो कुशांस में पहले राजा थे खड़फिश और कनिष्क सबसे बड़े फेमस रूलर थे. और कनिष्क जो राजा थे उन्होंने स्टार्ट किया था शाका एरा 78 AD में. तो हमारा जो कैलेंडर है इंडियन कैलेंडर वो भी शाका एरा पे ही आधारित है. और फिर कनिष्क ने इसे शाका एरा शाका नाम क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने शाखाओं पे जीत हासिल की थी, तो तब से शाका एरा ऐसा नाम हो गया. और इनके टाइम में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हेल्ड हुआ था एंड यहाँ पे डॉक्ट्रिन बनी गई थी ऑफ महायाना फॉर्म विच वर फाइनलिस्ट. और तभी के बुद्धिस्ट काउंसिल के जो लीडर थे वो अश्वघोष थे. और कनिष्क ने भी पेट्रोनाइज किया अश्वघोष को. अश्वघोष ने फिर बुद्ध चरित्र वगैरह लिखी है, आप आगे देखेंगे. फिर कुशान इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स फाउंड एट तोप्राक काला इन खोरेज्म ऐसे जगह है, वहाँ पे अभी कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. तो कुशानास के बारे में और कहा जाए तो दिस वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल. तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है. दे इंट्रोड्यूस द सट्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. देन दे कंट्रोल्ड द सिल्क रूट. दे वर्शिप्ड बोथ शिवा एंड बुद्धा. सम वर्शिप विष्णु टू. विष्णु के भी भक्त थे, शिवा के भी भक्त थे, बुद्ध के भी भक्त थे. कनिष्क बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास एंड द ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ वसुदेव नियर विदिशा एंड ही अपॉइंटेड गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रेटेजोस. तो ये हम कनिष्क के बारे में देखते हैं. अभी हम थोड़ा इंडिया में आते हैं नीचे पेनिनसुला में. तो डेक्कन में हम लोग देखेंगे कि सातवाहनास, जैसे हमने पहले देखा महाराष्ट्र वाला एरिया और डेक्कन वाला बेसिकली जो एरिया है वो सातवाहनास का था. एंड दिस सातवाहनास सक्सीडेड द मौर्यज इन डेक्कन एंड दिस वर ब्राह्मण रूलर्स. और इसमें सबसे फॉकी लीडर कोई हीरो था तो वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो 106 से 130 AD के बीच में इनका रूल था. साउथ में कोई मूवी भी आई है शायद इनके नाम से. और जैसे ये जो सातवाहना रूलर्स थे तो ये जो थे वो हमेशा अपने माँ का नाम साथ में लगाया करते थे. तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ये उनकी माता जी का नाम गौतमी था और इसलिए उन्होंने नाम ऐसे रखा है. तो मैट्रिलिनियल कह सकते हैं हम लोग इसको. और वशिष्ठीपुत्र पुलीमयी, दिस वॉज द कैपिटल एट पैठन. ओके. एंड सातवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स. तो पहली बार टैक्स फ्री विलेजेस वाला कंसेप्ट आ गया और ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को सातवाहनास ने ये ग्रांट किया था. फिर यज्ञ श्री सतकर्णी भी एक रूलर थे. फिर ये चैत्याज विहाराज बनाते थे. फिर द मोस्ट फेमस चैत्य इज एट कार्ले इन डेक्कन. पुणे की तरफ आप जाओगे तो कार्ले केव्स मिलेंगे आपको. देन जैसे मैंने ऊपर कहा कि ये मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर था सातवाहनास का. फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट को अहारा कहा जाता था. फिर ऑफिशियल्स थे उनको अमत्याज और महामात्रास कहा करते थे. फिर गौल मिकाइल, ही वॉज द हेड ऑफ द स्मॉल मिलिट्री रेजिमेंट एंड लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज. तो गौलमिका रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे. फिर देर वर थ्री ग्रेड्स ऑफ फ्यूडिटरीज. वन वॉज द राजा, देन वॉज द महाभोजा, देन वॉज द सेनापति. एंड द लैंग्वेज विच द वॉज प्रेवलेंट एट दैट टाइम वॉज प्राकृत.
Now coming down to the south, in the south we will see the pandyas, the cholas and the cheras. So pandyas, as I have said, sangam literatures, the pandyas were of the Madurai and sangam literatures were made during those times. And one thing I would like to say, he sent embassies to the Roman Emperor Augustus. चोलास के बारे में अगर मैं कहूँ तो चोलास का जो है उसमें राजा जो थे राजा राजा वन और राजेंद्र चोला, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था और इन्होंने श्रीलंका यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक पहुँच गए थे ये लोग. तो कावेरी पट्टनम करके उनका कैपिटल था. और चेरास के बारे में अगर मैं कहूँ तो केरला और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में इनका वर्चस्व बना रहा. और सेंगुत्तवन इज द ग्रेटेस्ट किंग एंड रोमन इन्फ्लुएंस हैज बीन देयर. मुजीरिस जो कहते हैं कि अभी भी बाइनियल कुछ मुजीरिस करके होता है केरला में. इट्स एंड चेराज ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ अगस्तस. सो दिस इज हाउ वी सी द रोमन इन्फ्लुएंस इन द चेराज. Villalas were the rich peasants, the Arasar were the ruling class, the Pariyars were the agricultural laborers, and the Shrenth were the artisan guilds. So this is what we are talking about, the Cheras. And next comes the Chalukyas. Chalukyas of Badami, that is Bijapur, and Pulakeshin too was an important ruler. और एक important point आपको याद रखनी चाहिए Aihole inscription के बारे में, जहाँ court poet जो थे रवि कीर्ति, उन्होंने पुलकेशिन टू की लाल की है और उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है Aihole inscription में. फिर हम पल्लवास की तरफ जब मुड़ते हैं, दे सक्सीडेड द इशावाकुस एंड कांचीपुरम वॉज देयर कैपिटल एंड दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कडम्बास के साथ उनका फाइटिंग चलता था. और कडम्बा किंगडम के बारे में अगर मैं कहूँ तो मयूर शर्मन उन्होंने फाउंड किया था कडम्बा को. नरसिम वर्मा ऑक्यूपाइड द चालुक्य कैपिटल वाटपी इन 642 एडी. पल्लवास तो जो थे, मैं बता दूँ आपको कि ये जो आर्किटेक्चर में एकदम एक नंबर थे, एकदम मतलब दे कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स. ये नरसिम वर्मन जो थे इनको टाइटल मिला था वाटपी कोंडा. तो कोंडा मतलब क्या, जो जीता है. तो वाटपी चालुक्य कैपिटल था वाटपी. तो जिसने वाटपी को जीता वो कौन, वो राजा, वाटपी का राजा. तो नरसिम्ह वर्मन को टाइटल था वाटपी कोंडा. और रथ टेम्पल्स हम लोग देखते हैं एट महाबलीपुरम विच वर बिल्ड बाय नरसिम्ह वर्मन. आप अगर एपिक चैनल देखोगे तो उस पर बहुत अच्छे एपिसोड आते हैं जिसमें रथस के बारे में बताया. तो वहाँ पे पांडव रथ हमको मिलते हैं, अर्जुन रथ है, धर्मराज का रथ है, द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव का रथ है. तो ये सब रथ हमको वहाँ पे मिलते हैं. और मैं क्या कहूँ आपको कि विरूपक्ष टेम्पल और पापनाथ टेम्पल पत्तडकल में बनाए गए थे. फिर कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द पल्लवास. एंड वन ऑफ द मेजर रिवोल्ट इन द साउथ वॉज ऑफ द कालभ्रास रिवोल्ट. तो ये पल्लवास के साथ कालभ्रास रिवोल्ट हुई थी. इट इज़ सो वाइड स्प्रेड दैट इट कुड बी पुट डाउन ओनली थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ पंड्यास पल्लवास एंड चालुक्यास. तो पंड्यास पल्लवास और चालुक्यास तीनों ने युति बना ली थी और उन्होंने फाइट किया था इनके साथ. और अगर हम लोग संगम लिटरेचर में देखेंगे, संगम लिटरेचर में विलेजेस का जिक्र है और उन चोलास के टाइम में कैसे कि तीन टाइप्स थे विलेजेस के. एक जो उर था जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, एक था सभा जहाँ पे ब्राह्मण्स रहते थे, और एक था नगरम जहाँ पे ट्रेडर्स रहते थे. तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी साउथ के डायनेस्टीज़ के बारे में. अभी हम लोग लिटरेचर के तरफ मुड़ते हैं और इम्पोर्टेंट बुक्स जो है वो जो कि पूछी जा सकती है हमको यूपीएससी में. तो पहला बुक है मुद्रा राक्षसा. ये एक प्ले था विशाखा दत्ता के द्वारा बनाया गया. और नेक्स्टली इंडिका मेगेस्थिनीज याद करो किस चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे. मेगेस्थिनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे. और इंडिका में उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस दी है. इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ट्रैवलर्स थे अपने साथ इंडिया की इंफॉर्मेशन लेके जाते थे और फिर हमको
वो हिस्ट्री ट्रेस करने के लिए बहुत काम आता है। अभी मैंने अंदर राजा जो ग्रीस राजा थे हमने बताया था आपको, जो एकदम नागार्जुना जो थे, नागर सेना भी बोलते हैं नागार्जुना को, उससे काफ़ी प्रभावित होकर उन्होंने बुद्धिज़्म को स्वीकारा था। तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था और उसमें नागार्जुना ने इम्प्रेस किया था उनको, और मिलिंद पन्हो करके एक बुक मेनेंदर राजा ने, राजा के क्वेश्चन आंसर्स टू अर्जुन नागार्जुना के वो बुक में है, मिलिंद पन्हो में। फिर अश्वघोषा हम लोग देखते, जो कनिष्क राजा थे अश्वघोषा को पेट्रोनाइज किया और बुद्ध चरित्र लिखी गई। सौंदर्य नंद जो एक संस्कृत काव्य है, बुद्धिस्ट संस्कृत काव्य, तो ये भी अश्वघोषा द्वारा लिखी गई थी। तो अश्वघोषा जो थे बेसिकली कैसे है कि बुद्धिज्म जो है ज़्यादातर पाली लिटरेचर पाली में लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन अश्वघोषा ने संस्कृत में इसका अपने वर्क को लिखा है। फिर महावास्तु, दिव्य वंदम, ये भी कुछ बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत है। फिर कामसूत्रा आप देखेंगे वत्सयाना ने लिखा था। फिर चरक संहिता चरक ने लिखा था, इसमें अलग अलग सर्जरीज के बारे में लिखा है। और गत सप्तसती ये हल राजा जो थे सतवाना किंग, उन्होंने लिखा था गत सप्तसती, और ये प्राकृत बुक है। और टोलकप्पियम, ये टोलकप्पियम क्या है, दिस बेसिकली डील्स विद द ग्रामर एंड द पोएटिक्स, ये एक तमिल लिटरेचर का बुक है। फिर सिलपदिकरम और मणिमेखलाई, दिस आर द तमिल एपिक्स। और किन्ने लिखा, ये इलंगो अधिगल ने लिखा सिलपदिकरम। तो ये एक्चुअली लव स्टोरीज है, और लव स्टोरीज तो ठीक है, लेकिन इन बुक्स में से हमको तभी का कंटेम्प्रेरी टाइम जो है उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इलंगो अधिगल के बारे में मैं कहूँ तो ये एक जैन साधु थे और इन्होंने सिलपदिकरम के बारे में लिखा का। और नेक्स्ट बुक इज नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी जो थे रोमन राइटर जो है प्लिनी, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखा है लैटिन लैंग्वेज में। और प्लिनी ने कहा है कि कैसे रोम रोम से यूरोप से इंडिया में गोल्ड आता था, और भारत कैसे सोने की चिड़िया थी। और शूद्रका ने लिखा है मृच्छकटिका, मृच्छकटिका, तो मृच्छकटिका मतलब क्या, एक क्ले कार्ट, तो जो कार्ट होता है क्ले से बना हुआ। तो स्टोरी ऐसे, ये भी एक लव स्टोरी है, स्टोरी ऐसे जाती है कि एक कोटेशन होती है और वो एक बंदे को क्ले कार्ट एक बच्चे को देते हुए देखती है और वो उसके पैर में गिर जाती है, और ऐसा एक स्टोरी है। फिर कालिदासा का अभिजनक शकुंतलम, ये तो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अमर सिम्हा ने अमर कोशा लिखा था। फिर हर्षचरित्र बनभट्टा ने लिखा था, तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन राजा जो था उनके चरित्र जो है वो बनभट्टा ने लिखा था। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, तो ये राजा तो थे ही, लेकिन ये बहुत अच्छे राइटर भी थे। तो इन्होंने ये तीन वर्क लिखे हैं। याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं, हर्षवर्धन ने PNR लिखा था, PNR नंबर आपको पता रहेगा, तो P स्टैंड फॉर प्रियदर्शिका, N फॉर नागानंदा एंड R फॉर रत्नावली। अष्टाध्यायी जो है वो पणिनि ने लिखाया था, ये बेसिकली संस्कृत ग्रामर है। और महाभाषिका ये पतंजलि ने लिखा था, दिस इज बेसिकली अ कमेंट्री। एंड देन यू सी द सूर्य सिद्धांता, दिस वॉज अ थीसिस ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड ऑथरशिप डिस्प्यूटेड है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ब्रह्मगुप्ता ने लिखा था। और बृहत संहिता जो है वो वराह मिहिर ने लिखा था। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा था, चरक संहिता चरक ने लिखा था। ये तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट बुक्स है, वैसे बुक्स तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन ये बुक्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अब हम ट्रेवलर्स की तरफ मुड़ेंगे, मेगेस्थिनिस के बारे में हमने पीछे भी देखा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, इनका बुक है इंडिका। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि सिर्फ चंद्रगुप्त, जो गुप्ता एज वाले चंद्रगुप्त थे उनके टाइम में फाहेन आए थे, फाहेन, और ये चंद्रगुप्त को विक्रम आ जाता है। और ह्यूंग सेंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। तो FC तो फाहेन आए थे चंद्रगुप्त के टाइम में, जिनका नाम विक्रमादित्य भी था। और HH मतलब ह्यूंग सेंग आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। और आगे हम लोग फिलोसॉफीज देखेंगे, तो देयर वाज स्कूल सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज।
तो पहला स्कूल ऑफ फिलोसॉफी हम देखेंगे सांख्य। तो सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी भगवान को नहीं मानता था, तो दिस इज बेसिकली एन एथिस्ट फिलोसॉफी एंड बट व्हाट वी सी इज लेटर इट टर्न स्पिरिचुअलिस्टिक। और ये दो चीज़ों की बात करते हैं, प्रकृति और पुरुष के बारे में। तो प्रकृति और पुरुष में क्या रिलेशनशिप है, इस पे वो तवज्जो देता है। और वो कहता है कि अगर सेल्वेशन पाना है, मुक्ति पानी है, तो हमको नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रत्यक्ष अनुमान एंड शब्द शब्द। तो ये बेसिकली साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रत्यक्ष अनुमान मतलब एक्सपेरिमेंटेशन पे तवज्जो दे रहा है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्कूल फिलोसफी इज योगा। और योगा के बारे में हम देखेंगे कि सेल्वेशन कैन बी फाउंड कैन बी अचीव थ्रू मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन। तो योगा में हमको कहीं तो सिखाया जाता है कि मन बुद्धि शरीर और आत्मा, ये तीनों का मिलन करके योग सेल्वेशन की तरफ हमको लेके जा सकता है। नेक्स्ट फिलोसॉफिकल स्कूल इज न्याय। ये भी एक एथिस्ट स्कूल है और दिस बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक इस्तेमाल करके जो है वो न्याय सिस्टम जो है उसमें ये फिलोसॉफी तवज्जो देती है उसको। और सांख्य की अगर मैं बात करूँ तो मेजर प्रोपोनेंट इनके कपिल मुनि करके थे, और योगा के तो हमको पता है पतंजलि थे। और नेक्स्ट स्कूल इज वैशेषिका। तो वैशेषिका देर इज अ डिस्कशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स और द्रव्य। तो ये एटम थेरी पे ज़्यादा तवज्जो देता है। तो फिजिक्स पे तवज्जो है इस पेज की, अणु अणु थेरी एंड दे बिलीव इन गॉड। तो जैसे एथिस स्कूल्स हमने देखा एन और एस मतलब न्याय और सांख्य थे। फिर मीमांसा, मीमांसा में दो टाइप आते, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और ये जैमिनी वगैरह इससे रिलेटेड है। फिर जो पूर्व मीमांसा है जो वेदास को ज़्यादा तवज्जो देती है, एंड इट कंटेन्स द इटर्नल ट्रूथ एंड रीजनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द वैदिक रिचुअल्स एंड परफॉर्म वैदिक राइट्स ऑफ साल्वेशन। तो मीमांसा इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द वेदास एंड वेदांता। तो वेदों का जब अंत हुआ और उपनिषद की तरफ मुड़ने लग गए तो उसको वेदांत कहते हैं। और यहाँ पे ब्रह्म सूत्र की ब्रह्म इज द रियलिटी एंड आत्मा इज आइडेंटिकल विद ब्रह्म, मतलब न भगवान और हम में कुछ डिफरेंस नहीं, हम सब एक है, उसी के पार्ट है। तो ये उपनिषद वगैरह वेदांत के समय पे जहाँ पे हम एक सिस्टम आ गया कि गुरु के चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम सेल्वेशन की तरफ मुड़ सकते हैं। और शंकर अद्वैत शंकराचार्य जो थे, इन्होंने वेदांत को बढ़ावा दिया था। और शंकराचार्य फिर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने नॉर्थ इंडिया का भ्रमण किया और पूरी भारत का भ्रमण किया, जो एक हिंदू रिलीजन के लिए एक नैराश्यवादी स्थिति हो गई थी बुद्धिज्म आने के बाद। तो हिंदुइज्म में रिवाइवल का काम जो है वो शंकराचार्य जी ने किया था। और फिर उन्होंने शंकराचार्य के पीठ अलग अलग जगहों पे स्थापित किए थे। और जैसे शंकराचार्य ने अद्वैत के बारे में ज्ञान दिया था, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत के बारे में ज्ञान दिया था, और वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत के बारे में बात बात की थी। फिर निम्बारका जो थे उन्होंने द्वैत अद्वैत के बारे में बात किया था। और यही है थोड़ा मैं तो कॉलम में आ सकता है ये। और फिर एक स्कूल ऑफ थॉट है लोकायत। ये एकदम मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी है। तो चार्वाक के जो है, आजकल सब लोग चार्वाक ही बन गए हैं, तो नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। खाओ पियो मज़ा करो, बाकी नियम वगैरह सब गए भाड़ में। दिस इज़ व्हाट बेसिकली लोकायत इज़ अबाउट। एंड नाउ वी मूव टूवर्ड्स द मौर्यन ऑफिसर्स। सो मौर्यन ऑफिसर्स में हम लोग देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राजूकास जो थे, तो राजूकास वर क्लास ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अशोका। और ये इनका बेसिक काम था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, सो राजूकास इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देन वी हैव द धम्म महामात्रास। तो दिस वर ऑफिसर्स ऑफ अशोका फॉर प्रोपगेटिंग धर्म अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो ये बेसिकली धर्म मतलब क्या, कि बुद्धिज्म का फैलाने का काम
जो है वो ये ऑफिसर दम्भ महामात्रास करते थे। फिर तीर्थाज जो थे ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज थे। फिर समहर्ताज, दिस वर बेसिकली ऑफिसर फॉर टैक्स असेसमेंट, आज के IRS समझ लो। फिर सन्निधत्ता, दिस वर द चीफ कस्टडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, तो ट्रेजरी का जो काम था वो सन्निधत्ता करते थे, टैक्स असेसमेंट का काम समहर्ता करते थे, धर्म का फैलाने का काम धम्म महामात्रास, और जुडिशरी का काम राजूकास करते थे। अभी हम संगम लिटरेचर की तरफ मुड़ते हैं। संगम लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट है, UPSC काफ़ी बार इस पे सवाल पूछ चुकी है। और संगम लिटरेचर वॉज एन असेंबली ऑफ द तमिल पोइट्स विच वॉज हेल्ड अंडर द रॉयल पेट्रोनेज इन मदुराई, एंड इट वॉज कंपाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 300 to 600 AD। और संगम मतलब क्या, असेंबली, संगम तेरा मतलब जहाँ पे सब लोग आते हैं, मिलकर बैठते हैं और अपने विचारों का डिबेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो बेसिकली यही है असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स, संगम बोलते हैं। एंड वी कैन डिवाइड इट इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज़ वन इज़ द नरेटिव ग्रुप एंड अदर इज़ द डिडेक्टिव ग्रुप। एंड द नरेटिव ग्रुप इज़ मेलका नक्कू, दिस इज द 18 मेजर वर्क्स विच हैव बीन कवर्ड अंडर दिस नरेटिव। एंड डिडेक्टिक इज किलकनक्कू, दिस आर द 18 माइनर वर्क्स। तो मेलकनक्कू एंड किलकनक्कू एंड मेजर एपिक्स ऑफ द संगम लिटरेचर आर सिलपदिकरम एंड मनी मेखलाई, एज आई हैव सेड दिस आर लव स्टोरीज। एंड बट बेसिकली संगम लिटरेचर गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ द सिस्टम वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम एंड सो ऑन। एंड सम मिसलेनियस इंफॉर्मेशन विच I would like to give is like Shataka was a special type of cloth made at Mathura. Then artisan guilds were called as shrines. Uttarpath was the sea route most frequently in use. Gomat is a wealthy person. तो UPSC ऐसा चिढ़ाने के लिए ऐसा कुछ पूछ लेती है हमको, तो ऊपर ऊपर का मोटा मोटा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम गुप्ताज की तरफ मुड़ते हैं। गुप्ताज जो थे वो थर्ड सेंचुरी जब कुशानाज और सातवानाज गिरे, उसके बाद गुप्ता एरा का स्टार्ट होता है। और परहैप्स दे हैड वैश्य ओरिजिन, तो फाइटर्स जो बोलते हैं वैश्य वॉरियर्स, और इनमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ऐसे बड़े बड़े मुख्य राजा आके गए हैं। और इनका कैपिटल पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो है। चंद्रगुप्त वन से अगर स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ही वॉज द गाय हु स्टार्टेड गुप्ता एरा इन 319 to 20 AD। एंड समुद्रगुप्त इज ऑल कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि समुद्र नाम से ही है कि उनके उनका जो सी एक्सपेडिशंस जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने मतलब नेपोलियन जैसे जीतता गया वैसे समुद्रगुप्त भी जीतते गए। और डिलाइटेड इन वायलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट, सो समुद्रगुप्त के बारे में ये है। और एक कोर्ट पोएट थे उनके, हरिसेना करके थे, तो हरिसेना ने उनकी काफ़ी लाल की है। और अलाहाबाद में अगर हम पिलर देखेंगे तो वहाँ पे हरिसेना का इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे समुद्रगुप्त हमको भी मिलेंगे। वो अलाहाबाद पिलर में वो समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। याद कीजिए अयोध इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन टू के बारे में रवि कीर्ति जो पोएट थे उन्होंने गुणगान गाया था, वैसे ही हरिसेना ने समुद्रगुप्त के बारे में गुणगान गाया है इलाहाबाद पिलर में। फिर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य होके गए, और इनकी इन्हीं के टाइम में फिर हम देखते हैं कि कैसे फाहेन आए थे। और ही एक्सरसाइज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर सेंट्रल इंडियन किंगडम ऑफ प्रभावती थ्रू हिज डॉटर, तो ये एक टेक्टिक गेम, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इनके बारे में। फिर उज्जैन वॉज इज सेकेंड कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल बोलेगा तो पाटलिपुत्र। फिर नवरत्नाश जो थे वो इनके टाइम विक्रमादित्य के टाइम आए थे। इम्पॉर्टेंट नवरत्नाज में कालिदासा, वरहमिहिर, अमर सिम्हा जो थे वो ये थे। कालिदासा के बारे में हम देखा कि उन्होंने कैसे अभिजम्म शकुंतलम और काफ़ी सारे वर्क्स के लिखे हैं। फिर वरहमिहिर के बारे में भी हमने देखा था, अमर सिम्हा के अमर कोश ऐसे देखे थे। फिर फाहेन आया, वी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विक्रमादित्य टाइम।
गुप्ता एरा में हम देखेंगे कि उनका रॉयल सील था गरुड़ा, और गरुड़ हमको पता है एक पंछी रहता है गरुड़ ईगल, और देर वॉज अ डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड देर वॉज अ इमरजेंस ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग दिस टाइम. तो जो प्रिस्ट थे वो लैंडलॉर्ड्स बन गए इन टाइम में एंड द पोजिशन ऑफ द शूद्राज इम्प्रूव ड्यूरिंग द गुप्ताज टाइम एंड बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन था, सती सिस्टम वगैरह प्रेवलेंट थी एंड बुद्धिज्म डिड नॉट रिसीव एनी रॉयल पेट्रोनेज ड्यूरिंग द गुप्ताज पीरियड. तो ऐसे कहा जाता है कि गोल्डन गुप्ता पीरियड जो थी वो एक गोल्डन एज है एंशियंट इंडिया का. तो कैसे, क्यों? तो हम लोग देखते हैं ये पॉइंट से. जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज व्हाई गुप्ता पीरियड वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया. तो बेसिकली अजंटा पेंटिंग्स इनके टाइम में, वैसे गुप्ताज ने तो पेट्रोनाइज नहीं किया था लेकिन काफ़ी सारे पेंटिंग्स इनके पीरियड में आई, अजंता पेंटिंग्स. फिर नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश हुई इनके टाइम में. फिर 13 प्लेज वर रिटन बाय भाषा, भाषा करके एक थिएटर ड्रामेटिस्ट राइटर थे, उन्होंने 13 प्लेज लिखी. मृच्छकटिका शूद्र का, तो मृच्छकटिका मैंने पीछे बताया कि कैसे क्ले कोर्ट और एक लव स्टोरी है, शूद्र का ने लिखी थी. फिर कालिदासा के वर्क्स हम देखते हैं. तो प्लेज वर मोस्टली कॉमिक, रामायण और महाभारत वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. देर वॉज डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्यायी याद है ना, पनिनी ने लिखा था. फिर आर्यभट्टा ने आर्यभट्टा लिखा था. फिर रोम का सिद्धांत था, जो दिस इज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी. सो बेसिकली लिटरेचर को देखें हम लोग तो काफ़ी फला फुला था गुप्ता पीरियड में, लेकिन आर्किटेक्चर पुअर था इस पीरियड में. और स्कंदगुप्त के टाइम में हुना इन्वेजन आया था, और स्कंदगुप्त जो तभी प्रिंस थे उन्होंने हुना इन्वेजन को तोड़ दिया था और उनको उल्टे पाँव भगा दिया था. लेकिन एम्पायर काफ़ी वीक हो गया हुना इन्वेजन के आने से. और बेसिकली फिर नेगेटिव पॉइंट हमने इसमें देखा कि वुमेन वर सबॉर्डिनेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम. तो वी कैन गिव अ काउंटर पॉइंट दैट रियली वॉज इट अ काइंड ऑफ गोल्डन एज. तो वुमेन का ही जगह, उनको ही जगह नहीं थी. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि विष्टी कौन थे, विष्टी वर द फोर्स्ड लेबर बाय पेजेंट्स फॉर द आर्मी ऑफिशियल्स. ओके, सो बेसिकली दिस वॉज अबाउट द गुप्ता पीरियड. अभी हम लोग आगे मुड़ते हैं हर्षवर्धन के टाइम में. एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ताज हर्षवर्धन केम अप एंड दिस गाय हैज हिज हैड हिज कैपिटल एट कन्नौज. और एक कोर्ट पोएट थे बनभट्टा, इन्होंने लिखा था हर्ष चरित्र. तो हर्ष चरित्र बनभट्टा ने लिखा था. और जैसे और ही रैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सिमिलर लाइन्स इज गुप्ताज. वेल वन पॉइंट कैन बी अंडरलाइंड इज दैट लॉ एंड ऑर्डर वॉज नॉट वेल मेंटेन्ड ड्यूरिंग हर्षवर्धन टाइम. एंड नालंदा फ्लरिश्ड एज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ड्यूरिंग हिज टाइम. ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड वॉज अर्लियर अ शैव. सो एंड ही कन्वीन्ड अ ग्रैंड असेंबली एज कन्नौज टू वाइडली पब्लिसाइज द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायाना. तो बुद्धिज्म में हम देखते हैं महायाना हीनयाना, तो हीनयाना के ये पेट्रोन थे. और ही ऑथर थ्री ड्रामाज हैज वी हैव सीन एट PNR, प्रियदर्शिका, नागन नंदा और रत्नावली. सो दिस वॉज बेसिकली एंशियंट इंडिया के बारे में हमने फटाफट 2020 स्टाइल में देखा है. और खास करके रिविजन में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ऐसा मैं समझता हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग विथ मी एंड हियरिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो. प्लीज़ गिव द फीडबैक. फीडबैक मिलेगा आप किसी चीज़ पे भी, मुझे वीडियो बनाने के लिए कहना चाहते तो बिल्कुल बेशक बेझिझक कहिए, मुझे अच्छा लगेगा. एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.